तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही एक बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं आपके लिए और म्यारी वीडियोज़ बना सकूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड्स, आज जो है वो मैं अफ्रीकन ग्रे के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत से दोस्त जो थे वो कह रहे थे कि आप जो है अफ्रीकन ग्रे की बेसिक्स पे वीडियो बनाएं, और काफ़ी अच्छे से बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा था, और मैंने सोचा कि आज जो है वो बर्ड फ्लाइट में भी छोड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे भी आपके अफ्रीकन ग्रे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है जब आप यहाँ पर आते हैं और बहुत से दोस्त आते हैं, देखते हैं कि अफ्रीकन ग्रे जो है वो उड़ रहे हैं, मेरे सर से ऊपर से गुजर रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है। और इनकी एक्टिविटी, इनका खाना पीना, इनकी जो खास विस्लिंग होती है बड़ी खूबसूरत लगती है। तो चलिए जो है आज मैं आपको अफ्रीकन ग्रे के बारे में बताऊंगा, और अफ्रीकन ग्रे के बारे में बताने से पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने कैसे शुरू किया, मुझे कैसा ख्याल आया कि अफ्रीकन ग्रे रखे। तो जनाब, मैंने पहले काफ़ी सारे बर्ड रखे हुए थे जिसमें जो है वो स्मॉल बर्ड भी थे और रिंगनेक भी थे, रा भी थे, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अफ्रीकन ग्रे को अपने घर पे लेके आऊं। और जैसा कि बहुत से मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, उनसे जब मैंने मशवरा किया, उन्होंने अफ्रीकन ग्रे रखे हुए थे, और जब मैंने उनसे मशवरा किया कि क्या मुझे अफ्रीकन ग्रे रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये अफ्रीकन ग्रे बहुत टफ ब्रीड है, ये ब्रीड नहीं करता, तुम अपने पैसे बाउंड कर दोगे, तुम लेके आओगे, ये ब्रीड नहीं करेगा, ये पड़े रहेंगे, फिर तुम इसको बेच दोगे। तो इस तरह की बहुत सी बातें, फिर एक और दोस्त से मशवरा किया, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आप इसको ब्रीड नहीं करवा सकते, ब्रीडिंग बहुत टफ है। और आजकल के दौर में भी हम यही सुनते आए हैं कि इनकी ब्रीडिंग बहुत टफ है, हर कोई इनकी ब्रीड नहीं ले सकता। तो ये सिर्फ एक जो है वो नॉलेज की कमी की वजह से ऐसा होता है। अगर आप जो है वो प्रॉपर अगर नॉलेज रखते हैं तो आप जो है वो ईजिली अफ्रीकन ग्रे को अपने घर पर ब्रीड करवा सकते हैं, और वो नॉलेज आज मैं आपको दूंगा। तो जनाब, अफ्रीकन ग्रे जो है एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। ये इसका जो ताल्लुक है वो अफ्रीका से है, जैसा कि अफ्रीकन ग्रे तो अफ्रीका से ताल्लुक है, और कोंगो में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और वहाँ के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं। और मेरे पास जितने भी अफ्रीकन ग्रे हैं ये प्योरली वाइल्ड ब्रीड है, और जिसकी वजह से इनका साइज़ भी अगर आप देखें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़े ह्यूज साइज़ के हैं, और इनके बच्चे भी माशाल्लाह बड़े ह्यूज साइज़ के आते हैं। अफ्रीकन ग्रे जो है वो तकरीबन 400 ग्राम का बर्ड होता है, बड़े साइज़ का है। वैसे तो ये मीडियम साइज़ बर्ड में भी आता है, और इसकी जो लेंथ है वो 33 सेंटीमीटर है, और इसका जो लाइफ टाइम है कि ये ज़िंदा कितने अर्से तक रहते हैं, तो जनाब ये तकरीबन 70 से 80 साल तक ज़िंदा रहते हैं। और सुनने में ये भी आया है कि जनाब, जब आप एक अफ्रीकन ग्रे का बच्चा लेते हैं तो आप जो है इसकी अफ्रीकन ग्रे को उनकी सेकंड जनरेशन पालती है। मिसाल के तौर पर आपने अगर अफ्रीकन ग्रे का बच्चा लिया, और अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, अगर आप नहीं रहे तो आपके आने वाले बच्चे जो है वो अफ्रीकन ग्रे को पालेंगे, इतनी लंबी उम्र होती है। उसके साथ ये बहुत ही अच्छा जो है वो टॉकिंग बर्ड होता है, बहुत ज़बरदस्त टॉकिंग करता है, आप इसको कुछ भी जो है वो सिखा सकते हैं। और इसकी जो मेमोरी होती है, जो वर्ड सीखता है, मेरे ख्याल से मुझे रफली आइडिया में बता रहा हूँ, तकरीबन 2000 वर्ड तक ये बोल सकता है। और आप इसको जिस तरह भी जो भी चीज़ सिखाएंगे, चाहे वो एक लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, अगर प्रॉपर सिखाने वाला बंदा हो तो ये ज़रूर सीखेंगे, और ये जो आप इसको बुलवाना चाह रहे हैं ये ज़रूर बोलेंगे। अफ्रीकन ग्रे एक बहुत ही अच्छा टेम बर्ड होता है, ये थोड़ा ज़रा वेट में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है अपने ऑनर के साथ, और ये इतने समझदार होते हैं कि ये अपनी ऑनर की पहचान रखते हैं। और अक्सर लोग देखा यही गया है कि अगर इसको किसी बंदे ने अपने घर पे रखा हुआ है, अननोन बंदा आएगा तो उसको काटेगा, लेकिन ये आपको नहीं काटेगा, क्योंकि इसको अपने ओनर की पहचान होती है। ये इतने समझदार होते हैं कि सुनने में ये भी आया है कि एक अफ्रीकन ग्रे की जो मेमोरी होती है वो इंसान के 10 साल के बच्चे के बराबर इसकी मेमोरी होती है। तो माशाल्लाह इतना समझदार और इतना एक्टिव एनर्जेटिक होता है। और जैसे कि मकाओ, काकाटू, अमेज़ॉन अगर आपने रखे हुए हैं तो वो जो है वो मॉर्निंग के टाइम चीखे मारते हैं, बहुत शोर करते हैं, लेकिन अफ्रीकन ग्रे जो है बहुत ही खूबसूरत विस्लिंग करता है। अगर आप इसको घर पे रखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पे थोड़ा शोर है तो ऐसा करते हैं, नीचे चलते हैं और बाकी डिस्कशन नीचे जाके करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो जो है वो वीडियो का स्टार्ट करते हैं, और वीडियो का स्टार्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि अफ्रीकन ग्रे जो है वो तकरीबन 2 किस्म के होते हैं। एक होता है जो अफ्रीकन ग्रे है जो ह्यूज साइज़ का होता है, और
उसका कलर ग्रे होता है और उसकी टेल जो है वो रेड कलर की होती है। इसी में अफ्रीकन ग्रे में ही ग्रे आता है जो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है और उसकी टेल ब्लैक होती है। साथ साथ में आपको तस्वीरें भी दिखाता जा रहा हूँ और उसकी चोंच जो है वो ब्लैक कलर की नहीं होगी बल्कि डबल कलर में आ रही होगी और उसकी टेल ब्लैक होगी और इसका नाम है टिमी। इसको बेसिकली टिमी ग्रे कहते हैं। साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। पाकिस्तान में ये जो है वो ब्रीड मेरा नहीं ख्याल के कोई बंदा करवा रहा है और ना ही कोई इसको लेता है। ज़्यादातर जो लोग शौक करते हैं वो अफ्रीकन ग्रे जो प्रॉपर कॉन्गो साइज़ में है होता है वो इसी का करते हैं। भाई याद रहे कि जब भी आपने ग्रे ख़रीदना है तो आपने उसकी निशानी देख लेनी है कि अफ्रीकन ग्रे की चोंच बिल्कुल ब्लैक होगी और वो ग्रे कलर का होगा और उसकी टेल जो है वो रेड कलर की होगी। टिमी में जो टिमी बर्ड है उसमें जो है उसकी टेल ग्रे कलर की नहीं होगी, सॉरी रेड कलर की नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल उसी बॉडी के कलर की होगी। तो अफ्रीकन ग्रे के बारे में बहुत सी बातें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत मशहूर हैं कि ये ब्रीड नहीं करता और इसकी जो है वो प्राय कुछ लोगों को इतना डरा दिया कि यार इसको बिल्कुल प्राइवेसी दे रहे और बिल्कुल लोगों ने स्टोर में छुपा दिए, बिल्कुल अंधेरे में रखे और जिसकी वजह से उनका नुकसान भी हुआ। तो सिर्फ जो है वो समझने की ज़रूरत है। आज मैं जो है वो आपको अफ्रीकन ग्रे की बेसिक्स के बारे में बताऊँगा कि आपने अगर रखना है तो कैसे रखना है, उसकी स्टार्ट कैसे करना है, उसका पूरा डाइट प्लान डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह अगर आप मेरे कहने पे ये पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप अफ्रीकन ग्रे रख भी सकते हैं, अफ्रीकन ग्रे से ब्रीड भी ले सकते हैं। तो जनाब चलते हैं, सबसे पहले इसकी जो है वो हम ब्रीडिंग एज की तरफ चलते हैं। बहुत से लोगों ने जब अफ्रीकन ग्रे शुरू में ख़रीदना शुरू किए तो उन्होंने जो है वो अफ्रीकन ग्रे का जोड़ा ख़रीदा, उसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम उनको आई कि उनको मेल फीमेल का नहीं पता था। लोग पहले ज़माने में लोग डीएनए नहीं करवाते थे और होता भी था तो शायद इंडिया से करवाना पड़ता था या बाहर के ममालिक में भेजना पड़ता था, काफ़ी कॉस्टली था, तो लोग ऐसे पेयर ले लिया करते थे और पता चलता था कि वो दोनों ही मेल हैं। उसमें जो है वो ख़ास निशानी जो है वो नहीं पता चलती थी। तो याद रहे कि जब भी आपने अफ्रीकन ग्रे ख़रीदना है चाहे उसके साथ 10 डीएनए आपको अवेलेबल हो, लेकिन आपने जो है वो उसके डीएनए जो है वो मस्ट करवाने हैं। अफ्रीकन ग्रे के जब डीएनए करवाएंगे आपको जो है रिपोर्ट्स आएंगी, आपको पता चल जाएगा कि मेल और फीमेल है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी निशानियां हैं जिसे जो पुराने देखने वाले हैं वो तो देख के जज कर लेते हैं कि ये मेल फीमेल कंफर्म है। आप लोगों को शायद ना आइडिया हो लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अफ्रीकन ग्रे का जो मेल होता है उसकी जो गर्दन होती है वो छोटी होती है और वो अफ्रीकन ग्रे डार्क कलर में होगा तो वो मेल होगा और उसकी जो टेल का कलर रेड जो आप देख रहे हैं वो भी बहुत डार्क और शाइनिंग रेड होगा, तो समझ लें कि वो मेल है। जो फीमेल है उसमें जो है वो फीमेल की गर्दन थोड़ी लंबी होगी और वो जो है वो डार्क ग्रे में नहीं वो बल्कि सिल्वर कलर में होगी और उसकी जो टेल है उसमें आपको जैसे मेल में शाइनिंग रेड होगी वैसे उसकी टेल रेड नहीं होगी। और अगर आप दोनों को इकट्ठा बैठे हुए देखेंगे अगर तो आपका सही ब्रीडर पुराना पेयर है तो मेल जो है वो अपनी टांगें थोड़ी समेट के बैठेगा और फीमेल अपनी टांगें थोड़ी खोल के बैठेगी और उनके हेड साइज़ में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा कि मेल का हेड थोड़ा बड़ा होगा, गर्दन छोटी होगी, फीमेल का हेड छोटा होगा और गर्दन लंबी होगी। तो ये जस्ट एक आइडिया है लेकिन आपने जो है वो इनका डीएनए जो है वो मस्ट करवाना है। इसके अलावा जो और लोगों को प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से लोगों ने ब्रीड नहीं किया तो उनका जो है वो ये था कि उन्होंने अफ्रीकन ग्रे ले लिया लेकिन उनको यही नहीं पता था कि अफ्रीकन ग्रे की एज कैसे चेक करते हैं, किस उम्र में वो ब्रीड करता है, किस उम्र में ब्रीड के लिए रेडी है। लोगों ने जो है वो यंग बर्ड ले लिए, 3 साल उनको रखा, उनको विटामिन कैल्शियम की भरमार कर दी, ब्रीडिंग टोटके लगा दिए लेकिन उन्होंने ब्रीड कैसे करते जब तक उनकी ब्रीडिंग एज ही पूरी नहीं हुई थी। तो फिर जो है वो तंग आके उन्होंने जो है उन्होंने बेच दिया और उनके उस्ताद मोहतरम ने वो जोड़ा ख़रीदा और उनके बाद ब्रीड आ गई। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपने अफ्रीकन ग्रे ख़रीदना है ब्रीडिंग नियत से तो आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने अफ्रीकन ग्रे ब्रीडिंग नियत से लेना है तो सबसे पहले आपने उनकी आईज़ चेक करनी है। आईज़ जब होगा जितना छोटा बच्चा होगा उसकी आँख, तस्वीरों में साथ साथ वाजिया करता जा रहा हूँ कि जब भी आप बच्चा लेंगे तो उसकी आँखें जो हैं वो ग्रे कलर की होंगी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी तकरीबन 2 से 3 साल के दरमियान पहुँचेगी तो उसकी जो आँख में है आपको वाइटपन नज़र आएगा जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। और जब ये अपनी ब्रीडिंग एज में पहुँचता है, ये ब्रीडिंग एज में तकरीबन 4 साल की उम्र में ये ब्रीड के काबिल हो जाता है, 4 से 5 साल के दरमियान ये ब्रीड के लिए रेडी हो जाता है। फीमेल जो है वो जल्दी रेडी होती है, मेल थोड़ा लेट होते हैं, लेकिन आप तकरीबन 4 से 5 साल का अपने जहन में रखें। लेकिन एक अच्छा ब्रीडर पेयर जिसकी एज पूरी हो चुकी है उसका जो आँख का रिंग है वो येलो कलर का हो जाएगा जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो जब भी आपने पेयर ख़रीदना है, ख़रीदने सबसे पहले आपने उनकी आईज़ चेक करनी है कि क्या उनकी जो है वो एज पूरी है,
तो उसकी आंखें येलो कलर की होंगी, और अगर उसकी एज कम है तो वाइट कलर की होंगी। उसके बाद ख़रीदने के बाद आपने जो है वो प्रॉपर इनका डीएनए करवाना है, इसके जो है वो फीदर चेक कर रहे हैं कि बिल्कुल फीदर ठीक हैं, तो फिर आप वो जोड़ा जो है वो ख़रीद सकते हैं। बहुत से जो दोस्त हैं वो कोशिश ये करते हैं ब्रीडर जोड़ा मिल जाए, लेकिन मैंने कोशिश यही की कि मुझे प्योरली वाइल्ड मिले। और अभी भी अगर मुझे, क्योंकि बाहर से आना बंद है और आइंदा भी कभी ये जो है ये शिपमेंट के थ्रू या बाहर से नहीं आएगा, इस पर बहुत शदीद पाबंदी है। कोई भी दोस्त जो है वो ये मत सोचे कि बाहर से आएगा तो मैं ख़रीदूँगा। इस वक्त जो है वो बेहतरीन है कि आप जो है वो नॉन ब्रीडर जोड़ा ख़रीदें। नॉन ब्रीडर जोड़ा सस्ता मिलता है और ब्रीडर जोड़ा महंगा मिलता है। इस वक्त 2023 में जो नॉन ब्रीडर है वो तकरीबन 2 लाख तक का है, और जो ब्रीडर है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का आपको मिल रहा है। तो अगर आपको ब्रीड करवाना आता है, रखना आता है, तो आप नॉन ब्रीडर भी लेंगे तो आपको ब्रीड कर जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये निशानियाँ आपकी जेहन में रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हम जो है वो इसके केजेस पे बात करते हैं कि केज कैसा होना चाहिए और मेरे पास केजेस कैसे हैं। तो उसके लिए जो है वो हम ऊपर चलते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। जी फ्रेंड्स, तो मैं अब जो है वो आपको ऊपर आ गया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने अफ्रीकन ग्रे का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेसी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए, और इसको जो है वो आप कोशिश करें कि दूसरे बर्ड से सेपरेट रखें। और अगर जो है आपको एक ही शेड आप उसमें रखना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको अपने शेड का कॉर्नर दें, और वहाँ पे ब्लाइंडनेस के लिए आप ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन नेट लगा लें, कोई ऐसी चीज़ लगा लें कि आप जो है वो अगर अपने शेड में आ जा रहे हैं तो आपका बर्ड जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो शेड आप देख रहे हैं इसमें जो है वो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो लोहे का दरवाज़ा है, ताकि अगर हम यहाँ से आ जा रहे हैं तो बर्ड जो है वो यहाँ से डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए अंदर चलते हैं, और अब जो है वो इसके जो केज के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको भी बताता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। ले जनाब, ये लोहे का दरवाज़ा है ताकि जो है ये बाहर से आ जा ना सकें। और ये जो है ये मेरे केजेज़ हैं। केजेज़ का साइज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो बेस्ट साइज़ जो होता है अफ्रीकन ग्रे के लिए वो थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें आपका जो है वो ऊंचाई आपकी 3 फुट हो, चौड़ाई आपकी 3 फुट हो, या उसको 2.5 फुट भी कर सकते हैं, और गहराई कम से कम 6 से 8 फुट होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने छोटे छोटे केजेस दिए होते हैं, और वैसे भी मैं जो है अपने बर्ड्स को फ्लाइट में छोड़ देता हूँ 7 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो उसमें जो है ये बर्ड यहाँ पे अच्छी ब्रीड करते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि ग्रे को अगर आप फ्लाइट में छोड़ते हैं तो ब्रीडिंग सीजन में छोटा केज दें, ताकि जो है वो इसमें अच्छी ब्रीड कर सके। यहाँ पे जो है वो मैंने विंडोज़ दी हुई है, यहाँ पे भी 2 विंडोज़ हैं और इस साइड पे भी 2 विंडोज़ हैं। ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ से धूप रोशनी हर चीज़ आती है। अभी केज की बात करें तो केज जो मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास जो केज लगा हुआ है वो ऐसे जो है वो 4 फिट है, इसकी जो हाइट है वो 2.5 फिट है, और उसकी जो डेप्थ है वो भी 2.5 फिट है। और यहाँ पे जो है, क्योंकि इसका जो बॉक्स है वो एल शेप का बॉक्स लगाया जाता है, बॉक्स में आपको दिखा दूँ कि बॉक्स जो है इसका एल शेप का बॉक्स जो है वो इसका बॉक्स लगाया जाता है। इसका साइज़ भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। और इसके अलावा जो स्टिक है, स्टिक आप देख लें कि ये कितनी मोटी है, और इतनी मोटी आपने लगानी है तकरीबन 3 इंच तक की ना, तो ये आप स्टिक लगा सकते हैं। ये जो केज है इसमें मैंने डबल डोर रखा हुआ है कि अगर मुझे खोलना पड़े, जैसे कि ये है, ये मैंने डबल डोर खोला हुआ है। और इसके अलावा क्योंकि एल शेप का बॉक्स है, जब मुझे इसकी इंस्पेक्शन करनी होती है तो मैं जो है वो ये वाला डोर पूरा डोर नहीं खोलता, बल्कि ये जो छोटा डोर लगा हुआ है ये छोटा डोर खोलता हूँ, और यहाँ से जो है मैं इजीली जो है वो बर्ड की इंस्पेक्शन कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो है वो इजीली बर्ड की इंस्पेक्शन हो जाती है। इसके अलावा केज में जो, जैसे कि मैंने आपको स्टिक का बताया था कि स्टिक जो है कम से कम भी जो है आपकी 3 इंच की जो है ना, वो 2.5 से 3 इंच की जो है वो मोटी होनी चाहिए। और स्टिक आपने 2 लगानी है, एक यहाँ पे और एक ऐसे टेढ़ी करके, अगर आपका केज छोटा है। अगर आपका केज गहराई में है तो फिर आप जो है एक बॉक्स के पास और एक उस पर आप लगाएंगे। तो यहाँ पे ये भी सारा मेरा ब्रीडिंग सेटअप था। ये सारे मेरे केजेस लगे हुए अफ्रीकन ग्रे के, ऐसे ही सारे बॉक्स अभी अंदर किए हुए हैं। अभी ये बॉक्स साफ़ होंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे फिर हम अफ्रीकन ग्रे छोड़ेंगे। और जहाँ तक दाने की बात है, तो दाना जो है वो दाना हम बड़े पॉट में लगाते हैं, पानी के लिए भी जो है ये बड़ा पॉट है, छोटा पॉट नहीं है। और दाना जो है, दाना हम इस बड़े पॉट में लगाते हैं, ये अभी खाली जो बर्ड नहीं है इसमें, दाना हम बड़े पॉट में रखते हैं ताकि जो है वो खुला खा सके, और ये ना हो कि वो थोड़ा सा हम दाना नहीं डालते इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, तो प्राइवेसी के लिए अफ्रीकन ग्रे क्योंकि एक बहुत समझदार बर्ड है और बड़ा बर्ड है, इसको जो है वो ज़्यादा बीमारियाँ अटैक नहीं करती, सर्दी गर्मी से फ़र्क नहीं पड़ता,
तो इसका जो है ये इतना सेंसेबल होता है कि ये इंसान के पाँव की आहट पहचान लेता है कि कोई आ रहा है। अगर आपका बर्ड बहुत ज़्यादा बीमार है तो जब आप उसके पास जाएंगे तो वो बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। उसके लिए जो है हम छोटे कैमरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको जो है हम इनके शेड में जहाँ पे हमने रखे होते हैं वहाँ पे कैमरा लगा देते हैं और उस वक्त हम इनकी एक्टिविटी देखते हैं कि जब ये जो है इनको पता हो गया कोई भी नहीं है तो हमें पता चलता है कि ये बर्ड बीमार है, ये बर्ड मेटिंग कर रहा है और किस टाइम क्या कर रहा है। तो इनका जो बेस्ट जो मेटिंग टाइम होता है वो होता है रात के टाइम। अगर आपने कभी कैमरा लगाया और आपने चेक करना है तो आपको दिन के टाइम चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, खामोशी में ये मेटिंग करना पसंद करते हैं। और इसके अलावा इनकी आंखें इतनी तेज़ होती हैं कि जैसे आम बर्ड को अगर रात के अंधेरे में नज़र नहीं आता तो अफ्रीकन ग्रे को रात के अंधेरे में भी बिल्कुल सब कुछ नज़र आता है। तो ये जो है ये मेटिंग करना जो रात के टाइम पसंद करते हैं। अगर आप कैमरे में चेक करना चाह रहे हैं कि किस टाइम पे मेटिंग हुई तो आप जो फुटेज देखेंगे वो आप रात की देखेंगे, स्पेशली सुबह फजर के टाइम की और आप रात के टाइम की देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका बर्ड मेटिंग कर रहा था या उसको क्या प्रॉब्लम है, हर चीज़ आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये है कि आपकी स्टिक जो है जो आपकी केज में लगी होनी चाहिए वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफ्रीकन ग्रे का मेटिंग का दुरानिया जो इनका जो ये मेटिंग करते हैं इसका दुरानिया बहुत लंबा होता है और इसका मेटिंग का दुरानिया 15-20 मिनट से 30 मिनट तक भी जाता है। ये मुसलसल 30 मिनट तक मेटिंग करते हैं। दुरानिया लंबा होने की वजह से जो है हमें जो है इनकी स्टिक मजबूत हो ताकि फीमेल की पूरी ग्रिप हो, तो फिर ये प्रॉपर मेटिंग करेंगे और आपको इसके प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जनाब इनकी डाइट प्लान अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा अहम है जिसकी वजह से लोगों को ब्रीड ही नहीं आती, तो याद रखें जैसा कि हमारे जितने भी पैरट्स हैं वो जो है उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन अफ्रीकन ग्रे बेसिकली एक हाई फैट बर्ड है। इसमें अफ्रीकन ग्रे और मकाओ दोनों जो हैं उनकी डाइट प्लान एक जैसा होता है, वो दोनों हाई फैट बर्ड हैं। आपको बड़ी अहम बात बताने लगा, ये आपने बात कभी भूलनी नहीं है कि अफ्रीकन ग्रे को हमने सीज़न में इनका फैट लेवल बढ़ाना होता है और ऑफ सीज़न में इनका फैट लेवल कम करना होता है। तो यही होता है कि लोगों ने जो है वो छोटे छोटे केजेस में रखे हुए कई सालों से, उन्होंने कभी बाहर इनको हवा तक नहीं लगाई और ये छोटे से केज में फ्लाई नहीं कर सकते, तो इनका फैट लेवल तो बढ़ जाता है लेकिन जब हम इनका फैट लेवल कम नहीं करते तो इनमें जो ऐसी चर्बी चढ़ जाती है कि फिर ये अंडे ही नहीं देते। और बहुत से लोग जो जिनकी शिकायत है कि यार मेरे एक साल बर्ड ब्रीड करता है, अगले साल नहीं करता, फिर दो साल बाद फिर थोड़े से अंडे उतार देता और चल जाता है, तो जनाब ये यही वजह होती है। इसलिए मैं अपने बर्ड्स को जब फ्लाइट में छोड़ता हूँ तो ये मुर्गी की तरह जंपे लगाते हैं और 2-3-4 दिन के बाद फिर ये प्रॉपर जो है वो फ्लाई करने लग जाते हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। जितनी भी चीज़ें जैसा कि बहुत सी चीज़ें हैं, जैसा कि आपके जो दाना है उसमें हमने सूरजमुखी थोड़ी ज़्यादा डालनी है और सूरजमुखी वैसे इनके लिए इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जितनी भी ऐसी चीज़ें जिनमें फ़ैट ज़्यादा होता है हमने उनको उसका इस्तेमाल करना है। वो हम जो है किसी ऑयल की शक्ल में भी कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल लेकर उसका स्प्राउट्स बनाकर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फैट लेवल हमने इनका बढ़ाना है और ऑफ सीज़न में कम ऐसे ही होगा जब हम इनको फ्लाइट में छोड़ेंगे और एप्पल विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। तो फैट लेवल को बता दिया। इसके अलावा जो है वो दाने का चार्ट, मैं जो दाना डालता हूँ वो मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जेन में आपने ये रखना है कि जनाब ये इनकी खुराक दाना नहीं है, ये वाइल्ड में भी दाना नहीं खाते, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं। दाना आपको इनको एज अ ट्रीट के तौर पे देना है, लेकिन आपने इनका डाइट प्लान ख़त्म नहीं करना का। एटलीस्ट दिन में आपको 2-3 दफ़ा इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए, जिसमें आप बहुत से फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्प्राउट्स बना के दे सकते हैं, स्प्राउट्स में आप कोई ऑलिव ऑयल ऐसी कोई चीज़ डालकर इनको ऑयली सीज दे सकते हैं। मैं जो है इनको ब्रीडिंग सीज़न में जब स्प्राउट्स बनाता हूँ या कोई चीज़ डालता हूँ तो उसमें पाम नट ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ। पाम नट ऑयल जो है वो इनके लिए बेहतरीन है, अगर आप ले सकते हैं तो बेहतरीन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो है वो इनका फैट लेवल हम बढ़ाते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसके अलावा आप जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स उनको मिक्स करके भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप पैलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उनकी डेफिशिएंसीज को पूरा करना चाह रहे हैं। डेफिशिएंसी जो है अफ्रीकन ग्रे में जो है डेफिशिएंसी दो तरह की है, जो पूरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहम है। एक है विटामिन ए और सबसे ज़रूरी है इनके लिए कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी इनकी आपको बिल्कुल भी नहीं होने देनी, ये आपको बहुत नुकसान देगी। आपके जो बर्ड ब्रीड नहीं करेंगे, उनके अंडे सही नहीं आएंगे, साइज ठीक नहीं आएगा, और अगर बर्ड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो
तो वो जो है अगर वो एग ले कर रहा हो तो वो फिर अपनी हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, जो कि उसके लिए बहुत नुकसान होता है। अगर आपने सुना होगा कि बर्ड पैरालाइज हो गया, तो यही होता है कि वो अपनी बॉडी से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है। तो जो भी आपने बर्ड इनको देना है, आपने हमेशा इनको डबल डोज देनी है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होने देनी और विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी नहीं होने देनी। तो जनाब जब आपने जो है वो पेड़ लगा लिया, आपने उसको ब्रीडिंग बॉक्स भी दे दिया। ब्रीडिंग सीज़न इनका जो है नॉर्मली जैसे बर्ड्स का स्टार्ट होता है तकरीबन नवंबर से स्टार्ट होता है, और जो है आप इसको तब तक लेके जा सकते हैं जब तक आपने इसका टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। तो आप इसका ब्रीडिंग सीज़न आप तब तक लेके जा सकते हैं। गर्मियों में भी लोगों को ब्रीड आती है और बड़े अच्छे बच्चे माशाल्लाह हैच होते हैं, निकलते भी हैं। अफ्रीकन ग्रे की जो है वो अगर बात की जाए अंडों की, तो अंडों की तादाद की, तो ये जो है तकरीबन किसी के पास ज़्यादातर लोगों को अगर अच्छे पेड़ हैं तो दो क्लच तो लाजमी साल में कर देते हैं अगर आप प्रॉपर इसको अच्छी डाइट दें। और कुछ लोगों ने तीन तीन क्लच भी लिए हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने छोटे बच्चे उठा लेते हैं। अंडों की तादाद की बात की जाए तो ये 3 से 4 जो है अंडों की इनकी एवरेज होती है। बहुत रेयर केस में जो है वो आपको 5 से 6 अंडे भी आ सकते हैं, लेकिन हम एवरेज की बात करते हैं। जो हमने देखा गया है कि 3 से 4 अंडों की इनकी एवरेज होती है। और मज़े की बात ये कि जितने भी पेरेंट्स होते हैं इनका जो हैचिंग टाइम होता है वो तकरीबन 22 से 25 दिन होता है, लेकिन अफ्रीकन ग्रे का टाइम जो है वो 30 से 35 दिन होता है। ठीक है, 30 दिन में भी बच्चे निकल आते हैं, 28 में भी निकल सकते हैं। डिपेंड करता है कि वेदर ज़्यादा ठंडा है तो जो है वो आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, गर्मियों में थोड़ा कम लगेगा, लेकिन एवरेज जो दिन होते हैं वो तकरीबन 30 से 35 दिन जो है इनमें आपके बच्चे जो है वो हैच होना शुरू हो जाते हैं। आपने ये ना हो कि आप जल्दी अंडे फेंक दें कि टाइम पूरा हो गया, 22 दिन हो गए बच्चे नहीं निकले। तो बच्चे निकलने का ये टाइम होता है, जब बच्चे निकलें तो आपने जो है वो इनकी डाइट प्लान को बढ़ा देना है। डाइट प्लान इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि हो सकता है कि ये छोटे छोटे बच्चों को मार भी सकते हैं अगर आपने इनको प्रॉपर सॉफ्ट फूड नहीं दिया। सॉफ्ट फूड देना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट फूड में आप काले चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बॉयल मकई जो है वो आप सोच लेंगे यार दिन में जो डाल दिया मैंने रात को, बॉयल मकई थोड़ी सी बॉयल करके आपने ज़रूर डालनी है। और वो बॉयल मकई जब खाते हैं तो वो बच्चों को बड़ा अच्छा फीड करवाते हैं। तो कोशिश करें अफ्रीकन ग्रे के बच्चे निकले हों तो आपने एक तो छेड़छाड़ नहीं करनी, जब भी बॉक्स खोलना है सबसे पहले नॉक करना है, नॉक करने के बाद आपने चेक कर लेना है कि बच्चे एक दफ़ा हैं या नहीं है। लेकिन जैसा कि हम जो है लव बर्ड्स और दूसरे बर्ड्स के बार बार बॉक्स खोल के देखते हैं, इंस्पेक्शन हर डेली बेसिस पे करते हैं, तो अफ्रीकन ग्रे की इंस्पेक्शन आपने डेली बेसिस पे नहीं करनी। एक दफ़ा अंडे देख लिए, दूसरी दफ़ा चेक कर लिया फर्टाइल हैं, फिर आपने अपने कान पर जो है वो पूरा फोकस करना है कि आप जब अंदर बॉक्स में जाएंगे फटाफट बॉक्स के अंदर चले जाएंगे, आपको ज़्यादातर नज़र नहीं आएंगे, इसलिए हम कैमरों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जो है वो कान लगाकर सुनना है, जब आपको चू चू की आवाज़ आए तो समझ लें बच्चे निकल आए। और आपने जो है वो सोच लेना कि मैंने 10 दिन का बच्चा उठाना है या 15 दिन का बच्चा उठाना है, तो कोशिश करें कि आप उस बॉक्स को खोलें ही नहीं, क्योंकि अफ्रीकन ग्रे जो है वो बहुत अग्रेसिव होते हैं और वो अक्सर देखा गया है कि वो अपने बच्चों के पाँव को उतर देते हैं, अपने बच्चों को मार देते हैं। तो कोशिश करें कि आपने जब बच्चे आ गए तो कोशिश करें उस दिन बच्चे उठाएं जिस दिन आपने बच्चों को निकालना है। बच्चों को जितनी जल्दी निकाल लेंगे उतना ही आप जो है वो सेफ साइड पर चले जाएंगे। तो कुछ लोग जो हैं वो उनको थोड़ा बड़ा करके भी निकालते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पेड़ कैसा है, क्योंकि हम इसको बहुत सारी गर्म चीज़ें दे रहे होते हैं जिसमें कि हम जो है वो इनको ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप इसको जो है बादाम डाल सकते हैं, आप इसको अखरोट डाल सकते हैं। सर्दियों में आप कोशिश करें कि अखरोट के 2 पीस करें और हर रोज़ जो है वो एक अखरोट एक पेड़ को दें, तो वो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। विटामिन कैल्शियम जितने भी आप जो आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें, जो कि सिर्फ जो है पैरट्स के लिए ही बने हुए हैं। स्पेशली जो कैल्शियम है उसका आपने ख़ास जो है वो इंतज़ाम करना है। आप जितना अच्छा कैल्शियम देंगे उतनी ही आपको पास अच्छी ब्रीड आएगी। जी जनाब, तो ये जो है मैंने आपके साथ सारा एक जो बेसिक्स थी जो बर्ड को रखने का तरीका था वो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ वो स्क्रिप्टेड नहीं होती, मैंने कोई प्लान नहीं किया होता, कोई मैंने कोई लिखा नहीं होता पेपर पे, मेरे जहन में जो भी आ रहा होता है वो मैं आप दोस्तों को बता ही जाता हूँ। और बताना ये होता है कि मैं आपको बेसिक समझा दूँ। और वो लोग जो कहते हैं कि अफ्रीकन ग्रे ब्रीड नहीं करता, बहुत टफ है, तो जनाब आप उनको मेरी ये वीडियो दिखा सकते हैं जो आपको कहता है कि ब्रीड नहीं करता, तो उनके घर भी ये ब्रीड करेगा। क्योंकि बहुत से लोगों का कहना ये है कि अगर अफ्रीकन ग्रे का एक केज भी चेंज कर दें, एक केज से निकाल कर दूसरे केज में डाल दें, तो ये 2-3 साल ब्रीड ही नहीं करता। तो जनाब ये भी मैंने आपको गलत साबित कर दिया कि मैं हर साल अपने बर्ड को फ्लाइट में छोड़ता हूँ, 6 महीने के बाद दोबारा केजेस में डालता हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आती है। और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत सीखा होगा और इंशाल्लाह अगर आपने अफ्रीकन ग्रे लगाए हैं तो आपके घर भी इस साल बहुत अच्छी ब्रीड आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।